हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव testbook.com पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, आज हम फिर से करने जा रहे हैं यहाँ पे RRB ग्रुप डी और NTPC के थ्योरी वाला पार्ट, जो कि अभी तक हमने नहीं किया था। न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम हमेशा करते आ रहे थे, लेकिन अब वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जहां पर हम मिक्स न्यूमेरिकल और थ्योरी करेंगे। तो दोस्तों, फटाफट से एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अजय, सुरेश, रोजगार, अंकित, सबको भाई गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे फटाफट से कलेक्ट हो जाइए और स्टार्ट करते हैं इस युद्ध को। तो देखना होगा आज कौन मचाता है। हाँ जी, और मुझे थम्स अप जरूर करिएगा अगर मेरी वॉइस और स्क्रीन आपके लिए क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मोटो के साथ, अब जो कि अपने अगले स्लाइड में है। और अपना मोटो आज का क्या है दोस्तों? मोटो है लोड एम शूट, जो हमेशा से रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे दोस्तों? न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आपको पता है न्यूमेरिकल्स किया हमने क्लास में। फिर अभी थ्योरी कर रहे हैं, फिर कल या परसों से हम क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? मिक्स क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी चलेगी मॉक टेस्ट। ठीक है, मिक्स मॉक टेस्ट चलेगी यहाँ पर। और एम अपना सामने है NTPC CBT 2। क्या है दोस्तों? NTPC CBT 2, आपको पता है डेट आ चुकी है NTPC CBT 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर भैया तैयारी जोरों से करना होगा, और जैसे ही ये ओवर होगा RRB ग्रुप डी आपके सामने खड़ा हो जाएगा आके। ठीक है, तो ज्यादा दिन बचे नहीं है जहां पर आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को करना होगा शूट। तो ठीक है, सुरेश स्पीक इन इंग्लिश कह रहे हैं। तो सुरेश, आई विल ट्राई टू स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो बायलिंगुअल को अपन चल के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको टाइमिंग को लेके कंफ्यूजन थी तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सुबह गोपिका मैम की क्लास होती है 7 बजे, क्वांट की, जीके की क्लास होती है 8 बजे, शिव सर लेते हैं 9 बजे, साइंस की क्लास होती है जो कि मैं ले रहा होता हूँ, फिर अभिषेक सर लेते हैं 12:00 PM रीजनिंग की क्लास। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर आप देखेंगे कि भाई टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है फ्लैश सेल, जिसमें आप 500 से भी ज्यादा एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, 37,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 399 में मिल रहा है आपको 12 महीने के लिए। मतलब 365 के दिन में तैयारी करनी है तो 399 में, वो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज कर रहे होंगे। कौन सा दोस्तों? GAMPASS, जो कि मेरा कोड है GAMPASS, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और पहला प्रश्न आपके सामने क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट डिसीज, इनमें से कौन सा हार्ट डिसीज है? एरिथीमिया, हैसेंस डिसीज, फिब्रिलेशन और ब्रैडिकार्डिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। इसमें से हमें बताना है कौन सा हार्ट डिसीज है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ACND, ABND, CAND और ABC। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। फटाफट से बताइए दोस्तों कि यहां पर कौन सा जो है हार्ट डिसीज है। फटाफट से डी ऑप्शन कह रहे हैं सर कि ABC होना चाहिए। ध्यान से दोस्तों, बी ऑप्शन को भी आप इंक्लूड कर रहे हो, हैसेंस डिसीज को भी। क्या ये हार्ट से रिलेटेड है? अंकित कह रहे सर बी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भैया ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ACND, मतलब एरिथीमिया, फिब्रिलेशन और ब्रैडिकार्डिया, ये सारे के सारे क्या है? ये आपके हार्ट डिसीज है भाई। यहाँ तो आपको कार्डिया से खुद ही पता चल जाता कि ऑप्शन नंबर डी तो होना ही चाहिए। जब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी है ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन में कार्डिया लिखा है। कार्डिया आपको पता है दोस्तों, हार्ट के जो ऊपर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराकार्डियम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भैया कार्डिया से रिलेटेड अगर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो हार्ट डिसीज है या। ठीक है, और देखिए हार्ट की स्टडी क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। हार्ट अपना भैया बराबर कितना बड़ा होता है? एक फिस्ट के बराबर। फिस्ट बराबर दोस्तों मुट्ठी के बराबर। ठीक है, तो ये फिस्ट के बराबर हार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मोशन ऑफ अ ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन, स्पिन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। हमें बताना है अगर ट्रेन चल रही है तो वो किस तरह का मोशन कर रही है, रोटेटरी मोशन कर रही है, स्पिन मोशन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन।
हाँ जी सबको राम राम, रिंकू जी राम राम, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे बताना है आपको कि जो आपकी ट्रेन अगर मोशन कर रही है तो वो किस तरह का मोशन करेगी। प्रत्युष कह रहे सर डी ऑप्शन, मधु कह रहे सर डी ऑप्शन, विष्णु कह रहे सर डी। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो डी ही होगा। क्या होगा? डी हो, वही रोटेटरी नहीं होगा, रोटेटरी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि ट्रेन जो आपकी मूव कर रही है वो सीधे मोशन कर रही है, ना कि रोटेटर पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोजेक्टाइल नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर इफ द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन लिक्विड इज। यदि द्रव्यमान में डूबे हुए एक वस्तु का आयतन हो डैश होता है तो उत्प्लावक बल अधिक है, लार्जर इक्वल स्मॉलर या हाफ। अभी ये देखिए बॉयंस फोर्स लगता है दोस्तों, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट डालोगे लिक्विड में तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, नीचे से एक फोर्स लगेगी जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ भेजती है, उसको कहा जाता है बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉयंट फोर्स। अब आप ये बताइए कि बॉयंट फोर्स कब ज्यादा होगा, जब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा हो, कम हो, इक्वल हो या फिर आधा हो? जल्दी से बताएंगे। यहां पे बताना है आपको कि जो ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है पानी में, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जब ज्यादा डूबा होगा तब बॉयंट फोर्स ज्यादा होगा, या फिर 50% डूबा होगा तब ज्यादा होगा, या फिर पूरा का पूरा डूबा होगा तब ज्यादा होगा, या फिर बिल्कुल नहीं डूबा होगा तो ज्यादा होगा? जल्दी बताइए। लार्जर लार्जर लार्जर, वेरी गुड। जब उसका लार्जर पार्ट जो है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लार्जर पार्ट जो है वो वॉल्यूम जो है, मैं कहूँ वॉल्यूम जो है वो पानी में डूबा होगा तो बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, आपने देखा होगा डैम जो है, कभी आप डैम गए हो दोस्तों, कोई भी डैम, भाकरा नांगल, तो वो कुछ इस तरीके का बना होता है। कभी आपने ये सोचा कि दोस्तों ये ऊपर से पतला क्यों है, नीचे से मोटा क्यों है? कभी भी सोचा हो, किसी ने भी सोचा हो, भाई यहाँ पे जैसे मान लीजिए पानी है, पानी पानी, ठीक है यहाँ पे, लेकिन आप देखो यहाँ पे जो है लेंथ है ये तो कम है, नीचे जो है डैम का लेंथ, अगर मैं कहूँ विड्थ, मतलब जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से प्रेशर मेजर करते हो पानी का, तो आपका क्या आता है? रो जी एच। अब रो जी एच मतलब जितना एच बढ़ता चला जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर एच तो ऊपर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें एच कैलकुलेट कहां से होता है? ऊपर से कैलकुलेट होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ एच कैलकुलेट होगा, तो जितना आप नीचे आओगे तो एच बढ़ता चला जाएगा, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो भैया यहाँ पे प्रेशर लगेगा भी, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसलिए इसको चौड़ाई ज्यादा रखी जाती है जिससे डैम टूटे ना। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मायोपिया इज अ कंडीशन विच अफेक्ट्स। मायोपिया किसे प्रभावित करने वाली एक बीमारी है? ब्रेन, हार्ट डिसीज, सॉरी डिसीज कह रहा हूं, आईज और लंग्स। फटाफट से बताएंगे दोस्तों। जल्दी से बताइए यहां पर क्या करेक्ट आंसर होगा। मायोपिया जो डिसीज है वो आपकी किससे रिलेटेड? आई से, आई से, आई से, ओके। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आईज होगा। अब देखिए यहाँ पे मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया को और क्या कहा जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहा जाता है दोस्तों? शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखता है, नियर ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है, लेकिन फार ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्लियर नहीं दिखेगा, मतलब नहीं दिखेगा। ठीक है, अब दूसरी बीमारी होती है हाइपरमाइट्रोपिया। क्या होती है दोस्तों? हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है, इसमें इसको कहा जाता है फार साइटेडनेस। क्या बोला जाता है? फार साइटेडनेस। ठीक है, इसमें क्या होगा? फार वाली जो ऑब्जेक्ट है ना, जो दूर है आपसे, वो बड़ी क्लियर दिखती है, लेकिन जो पास वाली है, नियर ऑब्जेक्ट है, वो भैया नहीं दिखती है क्लियर। अब मायोपिया जो है उसको सही कैसे किया जाए? तो कॉनकेव लेंस लगा लीजिएगा। कौन सा दोस्तों? कॉनकेव लेंस लगा लीजिएगा, ये सही हो जाएगी। ठीक है, अब हाइपरमाइट्रोपिया में भी कॉनकेव लेंस लगा ले? जी नहीं, इसमें आपको लगाना होगा कॉन्वेक्स लेंस। जब भैया बीमारी अलग है तो लेंस भी अलग यूज करिए, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको एक तरफ डिजीजेस दिए हुए, एक तरफ उसके कॉजेस किससे कॉज होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, एथलीट फुट या काला आजर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है लेशमेनिया, डोनोवानी, वेरियोला वायरस, रूबेला वायरस या ट्राइकोफाइटोन। आपको यहाँ पर यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। क्या कहना है दोस्तों? एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एक बार पहले दोस्तों फटाफट से जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे फटाफट से। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर टू के साथ जा रहे हैं प्रत्युष, गौरी, सुबह। तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू होगा। कैसे लगाया? सर हमें स्मॉल पॉक्स का पता है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स होता है क्या? ऑप्शन नंबर टू वेरियोला। क्या होता है? वेरियोला। तो ऑप्शन नंबर बी का टू कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और बी में आ रहा है, बाकी में नहीं है। एलिमिनेट मारो फिर, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं मीसल्स, मीसल्स हमें पता है कि सर किससे होता है? यहाँ पर मीसल्स होता है ऑप्शन नंबर थ्री, थ्री से होगा, रूबियोला वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कहाँ पे आ रहा है? ए का थ्री, ऑप्शन नंबर टू में। तो भैया ये करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिल्वर कंटेनिंग लेड एज एन इम्प्यूरिटी रिमूव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। एक अशुद्धता के रूप में चांदी युक्त शीशे को निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है? लेविगेशन, क्यूपलेशन, डिस्टिलेशन या पोलिंग। हाँ जी ए बीडी, हेलो आप कैसे हैं? फटाफट से यहां पर लग जाइए, आंसर देना है अपन सबको। और दोस्तों सभी से यहां पर गुजारिश है फटाफट से एक बार शेयर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो ही मजा आने वाला है, ठीक है। वैसे भी आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, आवाज तो आ नहीं रही है, लेकिन आपको क्लियर अगर आ रही है तो फिर ठीक है। प्लीज इसको फटाफट से लाइक करेंगे और क्या करेंगे? शेयर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बी के साथ। तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, क्यूपलेशन। क्या दोस्तों? क्यूपलेशन करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड। यहाँ पे आपको बताना है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। फटाफट से बताएंगे दोस्तों। हाँ क्यूपलेशन पिछले का आंसर सही है। राधे राधे। ग्रुप डी का लेवल बढ़ेगा क्या? डेफिनेटली दोस्तों, आपको पता है जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है अभी, तो आपको कहीं ना कहीं ये तो देखने को मिलेगा कि लेवल बढ़ेगा, ठीक है, लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड करेक्ट होगा। नाइट्रस ऑक्साइड कैसे हो सकता है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड कैसे हो सकता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है, लॉफिंग गैस। क्या दोस्तों? लॉफिंग गैस, याद है ना, हाथ से गैस कहते हैं ना। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग इज। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप डैश होता है 120 से 70, 130 से 80, 120 से 80, 110 से 70। डेली क्लास टाइमिंग होती है दोस्तों यहां पर सुबह 9 से 10 बजे। मैं आपको तीन क्लासेस होती हैं दोस्तों अपनी यूट्यूब पे, कौन कौन सी होती है? पहली जो होती है जीएस की क्लास, जो हम रेलवे के लिए करते हैं, जनरल साइंस, सुबह 9 से 10 बजे। फिर दूसरी क्लास होती है एमटीएस के लिए दोस्तों, दोपहर 2 से 3 बजे, ठीक है। फिर तीसरी क्लास होती है सीजीएल और सीएचएसएल, जहां पर 6 से 7 बजे करते हैं हम क्लास शाम को। भाई यहाँ पे 3-3 ऑप्शन, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, 120 से 80। जैसा कि दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कि 120 जो होता है ये सिस्टोलिक पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, सिस्टोलिक, ठीक है। 80 होगा ये डायसिस्टोलिक, ठीक है, डायसिस्टोलिक। भैया मेजर किससे किया जाता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। किससे दोस्तों? स्फाइग्नोमैनोमीटर, ये याद रखेंगे, ठीक है।
आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्टोल टू डायसिस्टोल है दोस्त, डायसिस्टोल टू सिस्टोल नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, विच टाइप ऑफ कोल इज कॉल्ड ब्राउन कोल, किस प्रकार के कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और पीट। अब देखिए एक क्वेश्चन तो यहां से आपका है ही, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, हमने पढ़ा था कि भाई कौन सा कोल होता है जो सबसे खराब होता है, कैसे याद किया था दोस्तों, सबसे वर्स्ट कोल, भाई कौन पीटा जाता है घर पे, जो पढ़ाई कम करता है मतलब इधर पे वो पीटा जाएगा, जिसके पास कोल कम होगा वही खराब है, तो पीट, किसको पीट, खराब कोल को पीट, है ना। यहाँ पे लिग्नाइट, लिग्नाइट कह रहे हैं भैया, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, लिग्नाइट होगा। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोल होता है, क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बन होता है वो अबाउ 95% होता है, ठीक है। लेकिन सबसे खराब होता है पीट, इसको पीट पीट के बताया जाता है, इसका भैया कितना होगा, कम से कम 60% ही होता है कार्बन, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स द हार्मोन, पीयूष ग्रंथि डैश हार्मोन को स्त्रावित करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रोजन या मेलाटोनिन, फटाफट से बताएंगे। हाँ इंडिया भैया मोस्ट है विटामिनस है, चलिए जल्दी से बताइए। फटाफट से बताएंगे दोस्तों, जल्दी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन के साथ जा रहे भैया, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग, ठीक है, ये याद रखेगा। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की गई है दोस्तों, तो इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, क्यों, क्योंकि ये दूसरे को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। अगर मैं स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करूं, स्मॉलेस्ट ग्लैंड की, तो भैया कौन है, पीनियल ग्लैंड है, कौन दोस्तों, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। अगर मैं कहूँ लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपका कौन आ जाएगा दोस्तों, लीवर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि ऐसा ग्लैंड बताइए जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों हो, ठीक है, तो हो जाएगा पैंक्रियास, कौन होगा दोस्तों, पैंक्रियास। अगर मैं कहूं कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है अपनी बॉडी में, तो आपको बोलना है हाइपोथैलेमस, क्या दोस्तों, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो हमारे एक्साइटमेंट को, गुस्से को, स्ट्रेस को, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको कहा जाता है एमरजेंसी, एमरजेंसी ग्लैंड, वो कौन सा ग्लैंड है दोस्तों, एड्रेनल ग्लैंड है, क्या दोस्तों, एड्रेनल ग्लैंड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमंस, मनुष्यों में मेरु तंत्रिका के कितने जोड़े पाए जाते हैं, 10, 31, 37 या 40। फटाफट से बताएंगे दोस्तों कि भैया यहां पर कितने पेयर पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व में, जल्दी से बताएंगे। इकतीस, सारे लोगों ने भैया भर दिया, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 31 होगा, पेयर पूछा था इसलिए हमने 31 कहा है, पेयर नहीं पूछता तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 62, क्योंकि पेयर मतलब होता है 2 का, है ना, तो यहाँ पे 62 हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, भैया बोन्स और टीथ में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम बोरेट, जल्दी से बताएंगे। फटाफट से दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ए ऑप्शन होना चाहिए, ए ऑप्शन कह रहे हैं, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर कैल्शियम फॉस्फेट होगा।
अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपने बॉडी में स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है। देखते हैं किसको पता है। भैया बोन तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होता है वो तो फीमर है, लेकिन मैंने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, जल्दी से बताइए। बोन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट तो वो तो फीमर है और सबसे बड़ा भी है। स्मॉलेस्ट बोन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा दोस्तों, स्टेपेज है। कौन सा दोस्तों, स्टेपेज है ना। हाँ जी, कैल्शियम फॉस्फेट तो ठीक है, लेकिन इनेमल, वेरी गुड। यहाँ पे एनिमल नहीं है दोस्तों, वो इनेमल है। ठीक है, क्या दोस्तों, इनेमल है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स एटॉमिक नंबर 29 इज रिलेटेड टू। निम्नलिखित में से परमाणु संख्या 29 कौन से खंड से संबंधित है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। चलिए पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ये हो गया एस ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया पी ब्लॉक, ठीक है, ये हो गया, सॉरी, ये हो गया पी और ये डी, और एफ से तो कोई मतलब ही नहीं है भैया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 29 पूछा एटॉमिक। भैया पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के ही अनुसार यहाँ पे क्या किया गया, इनको जमाया गया है। तो भैया 29 तो एफ ब्लॉक में आने वाला नहीं है, तो एफ ब्लॉक को तो वैसे ही मार दो, पंगा करेगा ही नहीं। ठीक है, एफ ब्लॉक को पंगा ही नहीं। अच्छा, डी ब्लॉक बोल दिया, रटा हुआ इसलिए बोल दिया है ना। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप। फिर उसके बाद डायरेक्टली जंप होता है पी ब्लॉक पे, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर हो गए है ना। इसके बीच में बाकी होंगे भाई, यहां से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहां पे ऐसे होंगे। तो जब आप कैलकुलेट करके आओगे तो 29 कहीं ना कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, 29 यहां पर आएगा। तो ये किस में हो गया, डी ब्लॉक में हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। भैया पी ब्लॉक ऐसा है जहां पे आपको मेटल भी देखने को मिलेंगे, मेटलॉइड भी देखने को मिलेगा और नॉन मेटल भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये एक ऐसा ब्लॉक है जहां पे ये तीनों चीज एग्जिस्ट करती है। एफ ब्लॉक में आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रुप को कहा जाता है अल्कली ग्रुप, सेकंड को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, याद रखेंगे। और डी ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन, क्या दोस्तों, इनर ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। किसने खोज की थी भैया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोसले ने। ठीक है, किसके अनुसार जमा है ये, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मत बोलिएगा दोस्तों, एटॉमिक नंबर के अनुसार ये जमा हुआ है। हाँ जी, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन अमंग द मेल्स। भैया इसको मत पढ़िएगा, नहीं तो पता चले कंफ्यूज हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन लेवल अमंग मेल्स कितना होता है, 8 से 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम, 13 से 17 ग्राम या 15 से 20 ग्राम। फटाफट से बताएंगे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल अच्छा बना था दोस्तों, कितना गंदा बना था, फिर भी आप लोग कह रहे हो अच्छा बना था। हाँ, कुछ पता भी नहीं चला होगा है ना। फटाफट से बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे भाई डी ऑप्शन आ जा रहे हैं, कुछ लोग सी ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा सी, 13 से 17 ग्राम। कितना दोस्तों, 13 से 17 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन अमंग मेल्स। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा चलिए दोस्तों एक बात बताइए, कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि लड़कियों के पास दिमाग कम होता है, ऐसा सुना होगा, हालांकि होता नहीं है तो, लेकिन फिर भी कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है वो भी अपन आज देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है आपका जो ब्रेन है, ब्रेन है, ब्रेन का साइज जो है वो भैया कितना होता है, 2% ऑफ योर बॉडी वेट, 2% ऑफ योर बॉडी वेट। ठीक है, अभी पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा कम है। ठीक है, कैसे कम है वो देख लेते हैं, 2% ऑफ योर बॉडी वेट। अब आपका वेट जो भी है, जो भी है एक्स वाई जेड, उसका 2% निकाल लीजिए। मान लीजिए मेरा वेट जो है 70 है, मान लेते हैं 70 है, अब उसका भैया 2%, तो 2/100, 0, 0, 7, 2, 14, मतलब 14/10, 1.4, ठीक है, 1.4 kg, मतलब 1.4 kg। अब भाई मैं किसी फ्रेंड से मिला जो कि लड़की थी, उन्होंने कहा सर मेरे तो 50 किलो ही है, तो 50 किलो है तो 50 किलो का 2%। ठीक है भैया, 50 किलो का 2% तो निकालेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा और 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 kg इनका ब्रेन है। तो हम बोल दिए कि भाई आपका जो दिमाग है वो कम है, हालांकि
बराबर होता है, थिंकिंग प्रोसेस सेम होती है, लेकिन उसका वजन कम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिमाग कम होता है, ये याद रखिएगा, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि भाई कम होता है, वो कम नहीं है, वजन कम है, बराबर का दिमाग काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। निम्नलिखित में से किस पौधे के हार्मोन को तनाव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड या गिब्रेलिन या साइटोकिनिन। फटाफट से बताएंगे, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। अरे मैं यहां पे किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे ना ही मैं कह रहा हूं कि लड़कियों के पास दिमाग कम होता है, यहां पे तो बेइज्जती बॉयज की है। इतना अगर मान लो बड़े खुश हो रहे हो तुम कि 1.4 केजी है तुम्हारा ब्रेन, लेकिन तुमको टक्कर तो दे, तुमको टक्कर क्या, तुमसे आगे निकल जा रहा है 1 केजी, तो भैया तुम्हारी बेइज्जती है, लड़कियों की बेइज्जती नहीं है, समझा। हाँ, और मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे फैक्ट है कि 2% ऑफ बॉडी जो होता है ना वो ब्रेन का वजन होता है, 2% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, टेनिया इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, टानिया, फैसुलिया, हेपेटिका, कौन से फाइलम से का उदाहरण है, कोलेंटेरेटा, प्लेटिहेमथिसिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा। फटाफट से बताएंगे दोस्तों, यहां पे प्लेटिहेमथिसिस के साथ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ, कुछ जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ, भैया यहां पे करेक्ट आंसर होगा प्लेटिहेमथिसिस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जितने भी जा रहे हैं, वेरी गुड। यहां पे वेंकट रमन, कृष्णा, अंकित, अंकित 4 नहीं होगा, हाँ अंकित भी, वेरी गुड। यहां पे ऑप्शन नंबर 2 शिवा, मनीष। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, यहां पे आपको एक तरफ डिसीज दी हुई है, एक तरफ पैथोजेंस दिया है कि किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो डिसीज क्या है, टाइफाइड, वूफिंग कफ, एंथ्रेक्स या सिफिलिस। ठीक है, पैथोजेंस में क्या है, ट्रेपोनेमा, बैसिलस, हेमोफिलस या एब्रेथला। आपको यहां पर एलिमिनेशन लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। हाँ जी अंजलि, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सुबह, वेरी गुड, फटाफट से देंगे दोस्तों। और दोस्तों सभी से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक करिएगा, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करिएगा। यहां पे कह रहे बी ऑप्शन, तो भैया यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अब यह हमें कैसे पता चला, हमें सर टाइफाइड बड़े अच्छे से पता है, क्यों, टाइफाइड का हमें पता है सर एब्रेथला है, क्या, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है टाइफोसा, क्या पता चल रहा है दोस्तों, टाइफोसा। तो टाइफाइड को तो मैं ऐसे ही मैच कर लिया कि मतलब फर्स्ट का डी होना चाहिए, फर्स्ट का डी कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 2 में है, बाकी में नहीं है, एलिमिनेट मारो। वूपिंग कफ, वूपिंग कफ किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको पता है डीटीपी जब हम पढ़ते हैं क्या दोस्तों, डायप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, तो पर्टुसिस को ही क्या कहा जाता है, वूपिंग कफ। तो यहाँ पे वूपिंग कफ किससे होता है, यहाँ पर हेमोफिलस से होता है, पर्टुसिस वही तो मैं अभी आपको बता रहा था दोस्तों, आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, डीपीटी जो आपने पढ़ा है, डायप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, तो पर्टुसिस को ही कहा जाता है वूपिंग कफ। तो यहाँ पे पर्टुसिस लिखा तो है, तो पर्टुसिस मिला दो, सेकंड का सी कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 को टिक मारो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है, डैश इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, साइट्रिक एसिड को या सल्फ्यूरिक एसिड को। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन जा रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है दोस्तों, H2SO4, आपको पता है भैया एसिड रेन, पहली बारिश, बहुत खुश होते हैं लोग, बहुत खुश, ठीक है, बहुत खुश होते हैं, पहली बारिश, जाओ भीग के आओ, मजे करो, कहते हैं बारिश आ गई,
लेकिन बुजुर्गों का क्या कहना है भाई, पहली बारिश में मत भीगो। उनको रीजन नहीं पता कि वो भीगना नहीं है, लेकिन हमें तो रीजन पता है कि एनवायरमेंट में SO2 है, NO2 है। अब जब भाई भैया बारिश होगी तो H2O आएगा, और जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा SO2 तो H2SO4 बनाएगा, और NO के साथ करेगा NO2 के साथ तो क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा भैया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों एसिड है आपके स्किन पे गिरेंगे तो इन्फेक्शन तो करेंगे ही, इसलिए कहा जाता है पहली बारिश में मत भीगिए। तो अब ऐसा ना करिएगा, पहली बारिश में बाइक निकाले और हाथ फैला के चलते बढ़े, ठीक है, तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ड्यूरेलियम इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ। जो भैया ड्यूरेलियम होता है वो आपके एयरक्राफ्ट के लिए यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये हल्के होते हैं, तो वो किससे बना होता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और यहाँ पे कॉपर, फिर यहाँ पे दिया मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, मैग्नीशियम और जिंक। फटाफट से बताइए, सी ऑप्शन। तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और कॉपर। एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया गया दोस्तों, आपको पता है एल्यूमिनियम बहुत हल्का होता है। एक बार हमने अपने दोस्त से पूछ लिया गलती से कि भैया तू कभी फ्लाइट पे गया, बोला कि हाँ मैं गया, मैंने कहा मैं तो नहीं गया, लेकिन मैंने उससे ये पूछ लिया कि यार मेरे को बताना ये बना किसका है, तो वो बोल रहा है आयरन का, वो बोला आयरन का। मैंने कहा तो फिर वो तो उड़ा ही नहीं होगा, बोला नहीं उड़ा। मैंने कहा आयरन का बना तो कैसे उड़ा भैया, इतना भारी यही बन जाएगा और पैसेंजर को बिठाएगा तो कहाँ उड़ने वाला है। एल्यूमिनियम हल्का होता है मेटल, इसलिए वो क्या होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, उसमें लेकिन दूसरे भी मेटल्स मिला जाते हैं जैसे मैग्नीशियम और कॉपर, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टरीज रीच द नेसल कैविटी टू द इंसिसिव कैनाल। इनमें से कौन सी धमनी इंसिसिव नलिका माध्यम से नासिका गुहा तक पहुंचती है, सुपीरियर ऑर्टा, सबक्लेवियन आर्टरी, ग्रेटर प्लेटाइन और पल्मोनरी आर्टरी। फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन अभी तक किसी के करेक्ट नहीं आ रहे, 2 जा रहे हैं, प्रत्युष प्रिंस कह रहे हैं सर पल्मो होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रेटर प्लेटाइन आर्टरी, ठीक है। आपको पता है भैया अपने बॉडी में आर्टरीज है, आर्टरीज क्या करती दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे आपको वीन्स पता है दोस्तों, वीन्स क्या ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड। और अगर आपके हर एक पार्ट में बॉडी के पहुंचाना है ब्लड, तो छोटे छोटे पार्ट में कैपिलरीज लेके जाती है ब्लड को, ठीक है। लेकिन यही एक्सेप्शन हो जाता है दोस्तों, एक्सेप्शन याद रखिएगा कि जब आप हार्ट की बात करते हो तो उल्टा हो जाता है, हार्ट में आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, और वीन्स को जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सी से यहाँ पे लिखा है C14C, यहाँ पे 6, 15 and 7 आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है, आइसोटोप्स के, आइसोटोन के, आइसोबार के या आइसो इलेक्ट्रॉन के, फटाफट से बताएंगे दोस्तों। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, आपको बताना है भैया ये किसके एग्जाम्पल है, आइसोटोप के हैं, आइसोबार के हैं, आइसोटोन के हैं या आइसो इलेक्ट्रॉन के हैं। आइसोटोन कह रहे हैं प्रत्युष, अंकित कह रहे सर बी। तो भैया चलिए देखते हैं कैसे, है ना। अपन ने भैया पढ़ा था कि जो नीचे लिखा होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, या इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऊपर भैया एटॉमिक मास दिया होता है, क्या दिया होता है, एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं दोस्तों, एटॉमिक मास। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये तो याद है। अब यहाँ पे ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है भैया, 6 है या 7 है, तो आइसो इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, हटा दो। आइसो बार में कहता है एटॉमिक मास सेम है, तो भैया एटॉमिक मास यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, ये भी नहीं है, लो हटा दो। फिर आइसोटोप क्या कहता है, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए,
तो एटॉमिक नंबर भैया यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं है, हटा दू। अब यहाँ पे भैया है क्या, तो आपको पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास यहाँ पे 14 था तो 14 लिखिए, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 6 है, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, 8 आ गया। सिमिलरली इसमें भी सॉल्व करो, 15 - 7 करोगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, मतलब न्यूट्रॉन सेम हो रहे हैं। न्यूट्रॉन जब सेम होते तो हम उसको क्या बोल लेते हैं, आइसोटोन, तो आइसोटोन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ कैडमियम, निम्नलिखित में से कौन कैडमियम का अयस्क है, ग्रीन ग्रेनोकाइट, क्लेमाइन, सिनेबार। केमिस्ट्री नहीं आती तो दोस्तों मुझे पता है कि आप कुछ लोगों का केमिस्ट्री अच्छा होगा, कुछ लोगों का फिजिक्स अच्छा होगा, कुछ लोगों का बायो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको करना तो तीनों है, एग्जाम में भैया तीनों पूछने वाला है, तो थोड़ा सा अपन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको हर चीज रटना पड़ेगा। और भैया कितनी चीज रटोगे, कहीं ना कहीं तो भूल ही जाओगे कॉन्सेप्ट, लेकिन पता है तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रेनोकाइट, क्या होगा, ग्रेनोकाइट यहाँ पे करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिमिलर टू जिंक, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिंक के समरूप है, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर। हाँ, सिनेबार का जो होता है भैया मरकरी का होता है, किसका होता है, मरकरी का होता है सिनेबार, और गैलेना होता है लेड का, किसका होता है, गैलेना होता है लेड का। और दोस्तों सभी से गुजारिश है, यहां पर अभी हम 80 लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 49, इसको फटाफट से ऊपर लेके आते हैं। आयरन आयरन आयरन, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम, क्या होगा दोस्तों, मैग्नीशियम करेक्ट आंसर होगा, जो कि जिंक के सिमिलर है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन, निम्न में से किस विटामिन की कमी से बच्चों को रिकेट्स का कारण बनती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, बताइए। यहां पर आपसे बीमारियां, विटामिन, ये सब पूछे जाते हैं और ये पूछा गया है। यहां पर जल्दी से बताइए, वन ऑप्शन के साथ जा रहे हैं कुछ लोग, विटामिन डी, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन डी होगा। विटामिन ए किस क्या होता है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं ना, तो रतौंधी होती है। विटामिन बी से क्या होती है दोस्तों, बेरी बेरी डिसीज होती, कौन सी दोस्तों, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी से क्या होती है दोस्तों, स्कर्वी होती है, क्या होती है, स्कर्वी। विटामिन डी से क्या होती है, रिकेट्स होती है, क्या होती है, रिकेट्स। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, डैश कंटेन्स बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, डैश में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हो, दोनों होता है, कार्नेलाइट, एप्सोम सॉल्ट, डोलोमाइट या लाइमस्टोन। डोलोमाइट कह रहे हैं प्रत्युष, बाकी लोग का क्या कहना है, ओके, डोलोमाइट डोलोमाइट, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, डोलोमाइट। जैसा कि आपको पता भैया मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का भैया कई बार और आप देखोगे डोलोमाइट ही रहता है, क्यों, क्योंकि दोनों इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, CO2 डैश के निर्माण के कारण चूने के पानी को दुधिया बना देता है, किस वजह से, CA2O2, CaCO3 या फिर CaOH होल ट्वाइस या CA2O। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हो तो वो लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की में बना देता है, मतलब दूध की तरह दिखने लगता है, वो किसकी वजह से। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे हैं, तो भैया यहाँ पे CaCO3 के साथ जा रहे हैं और करेक्ट आंसर CaCO3 होगा, इसी को कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत बढ़िया प्रत्युष, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
Which of the following metals are capable of replacing the hydrogen from their acid to form salt? निम्न में से कौन सी धातुएं लवण बनाने के लिए उनके एसिड में से हाइड्रोजन को हटाने में सक्षम है? सल्फर, सोडियम, सिल्वर या फिर फॉस्फोरस? फटाफट से बताएंगे दोस्तों, सोडियम सोडियम सोडियम, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सोडियम होगा। जैसा कि आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में आपका पोटेशियम और सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। क्या दोस्तों? सोडियम और पोटेशियम है मोस्ट रिएक्टिव, बाकी तो आपका सिल्वर, गोल्ड, फिर यहाँ पे प्लेटिनम वगैरह वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ? इसमें से बताना है किसकी हाईएस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, निम्नलिखित विकिरणों में से किसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है? गामा रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज या माइक्रोवेव्स? जल्दी से बताएंगे, रेडियो वेव्स कह रहे हैं प्रत्युष, बाकी लोगों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? रेडियो वेव्स होगा। क्या होगा? रेडियो वेव्स। एक्स रेज किसने भैया डिस्कवर की थी पूछा जाता है? विलहेम रॉन्गटन। किसने दोस्तों? विलहेम रॉन्गटन ने की थी, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता भैया? जब फ्रैक्चर वगैरह हो जाए बोन तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एंजाइम्स एज वेल? निम्न में से कौन सा एंजाइम का एक प्रकार है? लिपिड, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन्स? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, RMIVUXG आपने शॉर्ट फॉर्म में याद कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है। रेडियो वेव, इंफ्रावेव, माइक्रोवेव। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, ABD RMIVUXG देख लिया। यहाँ पे डी ऑप्शन, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, प्रोटीन आपको याद रखना है। अब देखिए, अपने माउथ से ही क्या हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। माउथ से क्या डाइजेस्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। टाइलिन एंजाइम यूज होता है। क्या दोस्तों? टाइलिन। क्या दोस्तों? टाइलिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कैन मेक इट एसिडिक? निम्न में से किस गैस को पानी में मिलाने पर अम्ल बनता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया? फटाफट से बताइए दोस्तों। वन ऑप्शन के साथ जा रहे हैं मनीष, बाकी लोगों का क्या कहना है? मतलब हाइड्रोजन के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर टू होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर ये एसिडिक हो जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर? निम्न में से कौन एक प्रभावी अग्निशामक है? आर्गन, हेलोन्स या फिर हेलोजन या फिर हीलियम? जल्दी से बताएंगे। अब दोस्तों, आपने कभी देखा है कि यहां पर जब हम आग लगती है, कहीं पर आग लगी हो, ठीक है, आग जल रही हो, तो हम फूंकते हैं, लेकिन क्यों फूंकते हैं भाई? फूका क्यों? बुझाने के लिए आपने फूका क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप अंदर लेते हो तो क्या लेते हो? यहां पे ऑक्सीजन को लेते हो, लेकिन जब छोड़ते हो तो किसको छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो, है ना? मैंने सांस लिया और छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, तो भैया यहाँ पे अगर मैं इसको ऑक्सीजन दे दूंगा तो आग और बढ़ जाएगी। इसलिए जब हम फूंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो एक लेयर बनाती है, ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगी और नीचे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये बुझ जाएगी। इसलिए आप देखोगे आग बुझाने के लिए क्या यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, क्या यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? हेलोन्स, हेलोन्स, हेलोन्स। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? हेलोन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए,
हमने आग तो बहुत बार कैंडल बुझाई लेकिन कभी सोचा था कि ये लॉजिक होता है, तो लॉजिक भी समझते चलेंगे ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, निम्न में से किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है, एसिटिलीन, इथिलीन, इथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे एसिटिलीन कह रहे हैं, कुछ लोग इथिलीन कह रहे हैं, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सोच समझ के दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कुछ लोग, ए के साथ, तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका इथिलीन होगा, क्या होगा, इथिलीन होगा ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आप सामने यहाँ पर ये रहा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पावर एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड, कौन सा ऐसा डिवाइस है, यंत्र है, जिसको हम क्या करते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ऑडियोमीटर, अल्टीमीटर, एनोमोमीटर या डायनोमोमीटर। फटाफट से बताएंगे दोस्तों, और दोस्तों सभी से यहां पर गुजारिश है जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे भैया करेक्ट आंसर होगा सी, क्या होगा, सी, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या कहता है, स्पीड ऑफ विंड या फिर वेलोसिटी ऑफ विंड, क्या, स्पीड ऑफ विंड या फिर वेलोसिटी ऑफ विंड। अल्टीमीटर दोस्तों क्या मेजर करता है, हाइट को, किसको दोस्तों, हाइट को मेजर करता है ठीक है। आपको पता होना चाहिए डायनोमोमीटर, बताइए फटाफट से डायनोमोमीटर क्या करता है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हाइग्रोमीटर, किस क्या दोस्तों, हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को, किसको दोस्तों, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और हाइड्रोमीटर कंफ्यूजन होता है इसलिए दोनों को रिवाइज करेंगे, हाइड्रोमीटर किसको करता है, रिलेटिव डेंसिटी को, किसको दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी को, डी डी आ गया ठीक है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भैया ये होमवर्क है आपका, फटाफट से सभी लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में भर देना दोस्तों, क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवेलेबल होना चाहिए है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, What will be the value of heat energy produced in a wire resistance of 10 ohm carrying a current of 10 ampere for 2 hours? आगे आपके सामने एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, कर दीजिए इसको छल्ली छल्ली, लेकिन ये तभी होगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा ठीक है। अगर फॉर्मूला पता है तो 2 सेकंड का काम है, नहीं पता है तो नहीं होगा। लेकिन इसमें पूछा क्या है दोस्तों, इसमें पूछा है एनर्जी, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। फटाफट से बताइए दोस्तों यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बाकी लोग किसके साथ जा रहे हैं, ओके सी ऑप्शन के साथ सभी जा रहे हैं, 7.2। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, सी ऑप्शन होगा। अब कैसे हुआ सर, देख लेते हैं भैया, आपको पता है यहाँ पे गिवन क्या है, पहले वही हम लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, गिवन हमें दोस्तों दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 10 ओम ठीक है, फिर क्या दिया हुआ, करंट दिया हुआ, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का ठीक है, सब मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे क्यू पूछा है, क्यू मतलब हीट पूछा है, हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला होता बस दोस्तों आई स्क्वायर आर टी। तो भैया यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दूं मैं, एम्पियर का स्क्वायर ठीक है, ये 10 का स्क्वायर, फिर उसके बाद R कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 आवर्स दिया हुआ है ठीक है। अब इसको भाई जब मैं करूंगा सॉल्व, अब लेकिन आपको पता है 2 आवर्स को मुझे क्या लिखना होगा, इसको सेकंड में बदलना होगा 2 आवर्स को राइट। तो 2 घंटे में भैया कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 7.2 × 10⁶ जूल आ जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, लेड, सिल्वर, मरकरी और लिथियम। लिथियम के साथ जा रहे हैं प्रत्योष, बाकी लोगों का क्या कहना है दोस्तों, फटाफट से बताएंगे।
और दोस्तों अभी तक यहाँ पर आप लोगों ने लगता है लाइक नहीं किया है, अभी हम सिर्फ 66 पे बैठे हैं, क्या बात है। आज भैया बिल्कुल हार्दिक पांड्या या MS धोनी नहीं बन पा रहे हम। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, लिथियम। लिथियम बहुत लाइटेस्ट मेटल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, और एक तरफ दिया हुआ है बीमारियां, काला आजार, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा, रिंगवॉर्म। लगा दीजिए एलिमिनेशन, देखते हैं भैया एलिमिनेशन लगा के कौन कौन लाता है। फटाफट से प्रैक्टिस कर लीजिए भैया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, और नहीं मैन परफेक्ट, क्यों, वुमेन ऑलरेडी परफेक्ट है, ठीक है, तो प्रैक्टिस मैन को जरूरत है। जल्दी से बताइए, ओके सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं शनमुखा, अंकित कह रहे हैं सर सी होना चाहिए, गौरी सी के साथ जा रहे हैं, भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। अब कैसे हुआ देख लेते हैं। सर हमें रिंगवॉर्म पता है, क्या पता है रिंगवॉर्म, ये हमें पता है फंगस से होता है, सर फंगस से होता है, फोर मतलब बी का फोर होना चाहिए, बी का फोर, अच्छा बी का फोर एक ही जगह दिया है, बहुत बढ़िया, तो बी का फोर सी ऑप्शन में दिया है, बाकी भी नहीं है, एलिमिनेट मारो, करेक्ट मारो सी को, है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेम द डिसीज ऑफ द प्लांट इन विच लार्ज येल्लो स्पॉट अपीयर्स ऑन द लीफ, उस पौधे की बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियों पर एक बड़ा पीला धब्बा दिखाई देता है, साइट्रस क्रैकर, स्पाइडर माइट्स, बॉटराइटिस और बैक्टीरियल ब्लाइट। फटाफट से बताएंगे, हाँ क्यूटी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही आंसर है आपका, यहाँ पे साइट्रस कैंकर कह रहे हैं कुछ लोग, ए कह रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर मतलब साइट्रस के साथ ही जा रहे भैया, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बैक्टीरियल ब्लाइट होगा, क्या होगा, बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, जैसे कि आप देखा होगा अपने पत्तों में एक बीमारी सी लग जाती है, यहाँ पर पीले पीले धब्बे जैसे आपके बन जाते हैं पेड़ों के पत्तियों में, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियल ब्लाइट कहा जाता है, येल्लो कलर का ये होता है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन फ्रॉग, फ्रॉग में भैया ऐसा कौन सा होता है मेंढक में जो अनुपस्थित होता है, टाइम्पनम, नेक, आईलिड या आईज। फटाफट से बताइए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं सर नेक होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर आईज होना चाहिए, भैया यहाँ पे क्या होता है भैया, उसका मेंढक का नेक ही नहीं होता है, नेक ही नहीं होता है, आपने देखा होगा मेंढक का फेस ऐसा भैया ऐसा, अभी मेंढक तो बन नहीं पाया अच्छे से, ठीक है, लेकिन कोशिश यही है कि थोड़ा सा दिख जाए मेंढक जैसा, ठीक है, ऐसा दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे भैया इसका नेक ही नहीं होता है, ठीक है, नेक ही नहीं होता, यहाँ पे देखोगे कुछ नहीं होता, जुड़ा रहता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, स्मोकर्स हैव शॉर्टर ब्रेथ ड्यू टू, धूम्रपान करने वालों में से डैश की वजह से सांस छोटी होती है, आर्टरसोलस, एम्फिसेमा, हाइपरटेंशन, कफ। भैया देख लीजिए धूम्रपान करने वाले लोग, है ना, आप लोगों में से कोई तो है तो नहीं, और अगर है तो भाई छोड़ देना, अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, और आपने बिल्कुल भैया अगर आपको मुकेश जैसा, मुकेश कौन दोस्तों, भैया पिक्चर देखने से पहले आपको मुकेश की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है ना, तो वो नहीं बनना है, तो भैया यहां पे ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए, यहां पे ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ए ऑप्शन, कुछ लोग सी ऑप्शन के साथ, यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, एम्फिसेमा की वजह से होता है, एम्फिसेमा की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से थोड़ी होगा, हाइपरटेंशन हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, कफ होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे अच्छा हेल्दी हेल्दी फूड खाना चाहिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, हाँ पिक्चर से पहले आता है मुकेश, वो बिल्कुल बहुत बनिएगा। यहाँ पे भैया अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी डज नॉट अपियर इन पेयर्स, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जोड़े में नहीं है, किडनी, आईज, माउस या लंग्स। इतना इजी क्वेश्चन भैया, यहाँ पर अगर जिसको नहीं भी पता होगा ना वो अपनी आईज को चेक कर रहा होगा, हाँ एक है दो है, ठीक है आईज तो दो है, किडनी कैसे मैं मेजर करूं, किडनी अंदर ही तो है लेकिन पता नहीं कितनी है, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक ने किडनी निकाल ली हो आपकी, हाँ जल्दी से बताइए।
किडनी कितनी है? बोले सर किडनी मेरे पास एक ही है। गलत बात, जल्दी से बताइए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। हमारे पास एक ही माउथ है फिर भी हम लोग बहुत बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा डैश कहलाता है, स्टेमेन, पेटल्स, सेपल्स या कार्पल्स। फटाफट से बताएंगे, जल्दी से फटाफट से। यहां पे बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्पल्स होगा। ठीक है, क्या होगा? कार्पल इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्राची। अगला क्वेश्चन आप सामने, यूरिक एसिड इन अ चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है, ह्यूमन, फ्रॉग्स, फिशेस या बर्ड्स। फटाफट से बताइए भैया, यूरिक एसिड, हाँ स्टेमेन मेल पार्ट होता है, वेरी गुड। यहाँ पे प्रिंस, कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट होती है फ्लावर में। बहुत बढ़िया ज्योति, सिंघम, सिंघम, ओके ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर बोल रहे हैं सर दो होना चाहिए, मतलब कुछ लोग बर्ड्स के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बर्ड्स के साथ होगा दोस्तों। क्या? यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, द पॉन्ड अपीयर शैलो फ्रॉम इट्स रियल डेप्थ ड्यू टू, तालाब किस कारण के अपने वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपने कभी नोटिस किया है कि स्विमिंग पूल में जब आप जाते हैं देखने में तो वो लगता है कि ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जब उतरते हैं तो वो भाई बहुत गहरा दिखता है। सिमिलरली आपको तालाब में जाओगे तो वो कम गहरा दिखेगा, लेकिन होता गहरा है। इसी तरीके से जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको लगता है कि ये एग्जाम ज्यादा गहरा है नहीं, लेकिन होता ये गहरा है, और जब ये गहरा है तो तैयारी आप करते हो। तो सिमिलरली आप बताइए कि तालाब क्यों गहरा दिखता है? रिफ्रैक्शन, 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 तो करेक्ट आंसर रिफ्रैक्शन होगा। कभी एक काम करिएगा, बाउल लीजिएगा दोस्तों, बाउल में पानी रखिएगा, उसके अंदर एक सिक्का डाल लीजिएगा, सिक्का, कॉइन डाल लीजिएगा, तो आपको वो कॉइन क्या दिखेगा ना दोस्तों, ऊपर की तरफ है, लेकिन जब हाथ डालोगे तो भैया वो नीचे की तरफ रहता है, ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ दिख रहा है, लेकिन रहता ऊपर की तरफ नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हो तो वो भाई गहरी है, देखने में गहरी नहीं लग रही है, लेकिन आप जब उसमें घुसेंगे, मतलब जब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो वो गहरी दिखती है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, सोप क्लीन सर्फेसेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, साबुन किस सिद्धांत के आधार पर सतहों को साफ करता है, विस्कोसिटी, फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी या सरफेस टेंशन। जल्दी से बताएंगे, हाँ जी मनीष, क्यूटी, बिल्कुल सही है प्रिंस, बहुत बढ़िया। अंकित, यहां पे सब लोग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सरफेस टेंशन। क्या है दोस्तों? सरफेस टेंशन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्थ कंट्रोल मेथड, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है, हार्मोलन मेथड, बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड या MTP। फटाफट से बताएंगे, ओके यहाँ पे सबका आ रहा है भाई, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? MTP होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ओ हो हो हो, यहाँ पर समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने किए थ्योरी वाली पार्ट RRB ग्रुप डी और NTPC CBT 2 में जो आपके लिए पूछी जा सकती है, इसलिए हमने ट्राई किया है जितना आपको मैच द फॉलोइंग की प्रैक्टिस कराई जाए। क्यों? क्योंकि हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है, एलिमिनेशन मेथड करने की कोशिश की जाए, या फिर थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया जाए जहां से आपके डाउट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश की है मैंने कि भाई अगर एग्जाम में जा रहे हो आप तो ऐसा ना हो कि आप हर चीज रट के जाओ, क्योंकि वो भूल जाएंगी रटी हुई चीजें, ठीक है। और दोस्तों PDF के लिए क्या करना है दोस्तों? PDF के लिए कुछ नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। क्या दोस्तों? गौरव मौर्या सर टेक्स्ट बुक। क्या करेंगे दोस्तों? गौरव मौर्या सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपको क्या होगी, सारे PDFs मिल जाएंगी, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है।
क्या टेंशन नहीं लेना है, कोई भी डाउट होता है आप क्या करना है, क्लास के बाद जो नीचे आपके कमेंट सेक्शन होता है वहां पे कमेंट कर दीजिए आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हमारा जनरल साइंस चल रहा है लेकिन आपको लगता है कि फिजिक्स टफ है, तो मेजोरिटी में अगर फिजिक्स आपको लगता है टफ तो फिजिक्स मेंशन कर दिए, फिजिक्स अपन पर्सनली फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री या फिर बायो जो भी आपको लगता है। हालांकि अभी तो अपन न्यूमेरिकल और क्या करने वाले थ्योरी के मिक्स चलने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगर आप अगले सेक्शन में, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अगर आपको पसंद आया है ये सेशन तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलेगा, नहीं तो नोटिफिकेशन समय पे नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला सेशन कब होगा दोस्तों, अगला सेशन होगा अपना 2 बजे जहां पर हम MTS की तैयारी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहेगा, आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद जय भारत।